नमस्कार दोस्तों, पाठशाला क्लासेज में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है। हम लोग राजस्थान के इतिहास के बाद में आज इतिहास की इसी श्रृंखला में एक महत्वपूर्ण टॉपिक भारतीय इतिहास का जो आपके है उसी भारतीय इतिहास पे हम लोग चर्चा करेंगे। चाहे वो रीट के एग्जाम की बात करें या पटवार में इस बार नया जोड़ा गया है, पुलिस की बात करें, और विशेषतः अगर हम रीट की बात करें तो रीट में प्राचीन भारत का बड़ा महत्वपूर्ण जो है वो वेटेज है। भारत के इतिहास की जहां तक बात करें तो इतिहास प्राचीन, मध्यकालीन और आधुनिक तीन खंडों में ये बंटा हुआ है, और प्राचीन, मध्यकालीन और आधुनिक इतिहास की तीनों खंडों की जो जो घटनाएं हुई उन सभी घटनाओं के बारे में हम विस्तृत रूप से चर्चा करने वाले हैं। ठीक है, जहां प्रश्न की बात आती है भारतीय इतिहास में, तो भारतीय इतिहास के प्राचीनतम जो घटनाक्रम है, प्राचीनतम जो कालखंड है, उस प्राचीनतम कालखंड में इतिहास शब्द से प्रश्न बनते हैं। ठीक है, इतिहास शब्द की जो उत्पत्ति हुई, उसके बाद में जो प्राचीनतम सभ्यताएं थी, या उसके बाद में धार्मिक आंदोलन की बात करें, या उस समय के प्राचीनतम राजवंशों की बात करें, तो ये सारी चीजें एग्जाम में आजकल पूछी जाती है। और आजकल जितने भी एग्जाम, अभी चाहे वो फर्स्ट ग्रेड की बात करें चाहे रीट की बात करें, जो सर्वाधिक प्रश्न इंडियन हिस्ट्री में पूछे जाते हैं वो प्राचीन भारत से पूछे जाते हैं। तो हम भारतीय इतिहास के तीनों खंडों को विस्तृत रूप से जानेंगे। प्राचीन भारत क्या था, मध्यकालीन भारत क्या था, और आधुनिक भारत में कौन कौन से घटनाक्रम हुए, कौन कौन से आंदोलन हुए, कौन कौन से स्वतंत्रता संग्राम हुए, इन सारी घटनाओं के बारे में हम क्रमबद्ध तरीके से एक एक चीज को पढ़ेंगे। तो आज भारतीय इतिहास का श्री गणेश करते हैं, भारतीय इतिहास को जानते हैं, और प्रारंभिक जो बेसिक ज्ञान है उस बेसिक ज्ञान पे थोड़ा सा आज अध्ययन करते हैं कि इतिहास है क्या, इतिहास शब्द के बारे में किन किन लोगों की क्या मत है, और इतिहास शब्द के बारे में क्या इसका तात्पर्य निकलता है, उन चीजों के बारे में थोड़ा सा समझते हैं। चलिए, भारतीय इतिहास को आज हम प्रारंभ करते हैं। और जहां तक हम बात करें, जैसे प्रश्न की अगर हम बात करें, तो प्रश्न इतिहास के स्रोत से संबंधित पूछा जाता है हमेशा। जो भारतीय इतिहास या राजस्थान इतिहास, कोई भी इतिहास होता है, तो उसको जानने के स्रोत हमें पढ़ने पड़ते हैं। हमें क्या पता कि हल्दीघाटी का युद्ध कब लड़ा गया, या हमें क्या पता कि अशोक कौन था, चंद्रगुप्त मौर्य कौन था, उसका शासनकाल क्या रहा। ये जो सारी चीजें हमें जानकारी के रूप में मिलती है, चाहे वो धार्मिक ग्रंथों के माध्यम से मिले, चाहे ऐतिहासिक ग्रंथों के माध्यम से मिले, या विभिन्न शिलालेखों के माध्यम से मिले, या ताम्र पत्र लेखों के माध्यम से मिले, उन सारी चीजों से संबंधित प्रश्न हमेशा पूछे जाते हैं। तो इतिहास स्रोत से संबंधित प्रश्न आते हैं, लेकिन आज हम बेसिकली पढ़ेंगे कि इतिहास है क्या। इतिहास स्रोत से पहले जो इतिहास का अर्थ निकलता है उसके बारे में जान लेते हैं। तो यहां आज इतिहास शब्द के बारे में जानते हैं। सबसे पहले तो इतिहास देखिएगा, इतिहास की जहां तक शब्द की बात करें तो इतिहास शब्द जो है ये तीन शब्दों से मिलकर के बना है। इति धन है, धन आश, तीन शब्दों से मिलकर के इतिहास शब्द का निर्माण हुआ है। इति धन है, धन आश, जिसका तात्पर्य हुआ है, जिसके तात्पर्य की अगर हम बात करें, इसके अर्थ की अगर हम बात करें, तो इसका तात्पर्य यह है अतीत में घटित घटनाओं का क्रमबद्ध तरीके से अध्ययन। इतिहास शब्द की अगर वास्तविक मीनिंग हम देखें तो इसका तात्पर्य होता है अनुसंधान, अनुसंधान। और अगर इसकी विस्तृत रूप से व्याख्या देखें तो इतिहास का तात्पर्य होता है अतीत में घटित घटनाओं का क्रमबद्ध अध्ययन, अतीत में घटित घटनाओं का क्रमबद्ध अध्ययन, अतीत में घटित घटनाओं का क्रमबद्ध अध्ययन। यानी आज से पूर्व जो चीजें हुई वो सारी चीजें इतिहास हैं। चाहे आज से 4000 साल पहले सिंधु घाटी सभ्यता के समय हुई, या वैदिक काल में हुई, या प्राचीन भारत में महाजनपद युग के समय हुई, या बौद्ध धर्म के समय हुई, जैनिज्म के समय हुई, या आधुनिक भारत में हुई, या मध्यकालीन भारत में, वो सारी चीजें इतिहास है जो कभी ना कभी घटित हुई। ठीक है, और उन्हीं घटनाओं के बारे में अगर कोई विस्तृत रूप से कोई लिखित जानकारी मिलती है, कोई ऑथेंटिक जानकारी मिलती है, तो उसको इतिहास में इतिहासकार शामिल कर सकते हैं। ठीक है, जहां तक इतिहास की बात करें तो इतिहास के बारे में ऐसा कहा जाता है, चाणक्य जो था, जो चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु थे, जो चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री थे, जिनकी सबसे प्रसिद्ध रचना हम लोग जानते हैं अर्थशास्त्र है,
जो अपनी कूटनीति के कारण कौटिल्य कहलाए, जिनका एक नाम विष्णुगुप्त भी था। इस चाणक्य ने अपनी रचना अर्थशास्त्र में यह लिखा है कि राजा जो होता है किसी भी जनपद का, किसी भी रियासत का, किसी भी राजवंश का, उस राजा को प्रतिदिन जो उसकी दिनचर्या होती है, जो उसका दैनिक कार्य होता है, उस दिनचर्या में प्रतिदिन कुछ ना कुछ समय जो है इतिहास को समझने में, इतिहास को श्रवण करने में और इतिहास को पढ़ने में व्यतीत करना चाहिए, है ना। यानी इतिहास एक बहुत महत्वपूर्ण चीज है। चाणक्य ने भी अपनी रचना में ऐसा कहा है कि राजा को अपनी दैनिक दिनचर्या में से कुछ समय इतिहास को पढ़ने में, इतिहास को समझने में व्यतीत करना चाहिए। तो ये जानकारी जो है वो चाणक्य के द्वारा लिखी गई है। राजा को, एक शासक को प्रतिदिन कुछ समय इतिहास श्रवण में बिताना चाहिए, इतिहास श्रवण में बिताना चाहिए। यह जो प्रसिद्ध कथन है, यह कथन आपको ध्यान रखना है, यह कथन है चाणक्य का। इसके अलावा इतिहास की व्याख्या की अगर हम बात करें तो दो इतिहासकार हैं, दोनों के बारे में आप लोगों को ध्यान रखना है। एक इतिहासकार है ई एच कार। इतिहासकार ई एच कार ने इतिहास की परिभाषा जो लिखी है वो ये है कि इन्होंने इतिहास के बारे में कहा है कि इतिहास जो है ये अतीत में घटित घटनाओं का और वर्तमान में आने वाली घटनाओं के बारे में बीच की कड़ी है, अतीत और वर्तमान के मध्य अनवरत संवाद है। ये इतिहास की परिभाषा इतिहासकार ई एच कार ने दी है। इतिहास की परिभाषा इन्होंने लिखी है कि इतिहास जो है अतीत व वर्तमान के मध्य अनवरत संवाद है। इतिहास अतीत व वर्तमान की घटनाओं के मध्य, वर्तमान की घटनाओं के मध्य का अनवरत संवाद है, अनवरत संवाद है। ठीक है, सीधा साधा अगर हम अर्थ निकाले इतिहास का, तो इतिहास का मतलब है कि जो घटनाएं हुई, जिनकी लिखित कोई जानकारी मिलती है, जिनका कोई ना कोई प्रमाण मिलता है अभिलेखीय, शिलालेखीय या ग्रंथों के माध्यम से, वो सारी घटनाएं इतिहास है। इसके अलावा एक इतिहासकार है व्यूरी। इन्होंने इतिहास की परिभाषा क्या लिखी है, तो इन्होंने इतिहास के बारे में लिखा कि इतिहास जो है ये विज्ञान है, इतिहास विज्ञान है, न कम न ज्यादा, इतिहास विज्ञान है, न कम न ज्यादा। यानी अगर हम बात करें तो ये एक अनुसंधान का विषय है, लेकिन इसके लिए ऑथेंटिक प्रमाण अपने पास में होने चाहिए, और उन्हीं ऑथेंटिक प्रमाणों के बारे में आज की इस क्लास में हम लोग पढ़ेंगे। तो इतिहास के बारे में तीन प्रसिद्ध डायलॉग है जो आपको ध्यान रखने हैं। चाणक्य ने अपनी किताब अर्थशास्त्र में ऐसा लिखा है कि राजा को प्रतिदिन कुछ समय इतिहास श्रवण में बिताना चाहिए। इतिहासकार ई एच कार जो है उसने लिखा कि इतिहास अतीत व वर्तमान के मध्य का एक अनवरत संवाद है, और इतिहासकार व्यूरी जो है उन्होंने कहा कि इतिहास विज्ञान है, ना कम है ना ज्यादा है। ठीक है, तो कुल मिलाकर के इतिहास एक रिसर्च का, एक अनुसंधान का विषय है जिसके बारे में आज हम पढ़ेंगे। चलिए थोड़ी सी जानकारी और ले लेते हैं। जहां इतिहास शब्द के तात्पर्य की बात करें, तो इतिहास शब्द के तात्पर्य के पश्चात यहां पहला प्रश्न हमारे दिमाग में ये उठता है, एग्जाम में भी पूछा जाता है कि इतिहास जो है, इस इतिहास के जनक कौन माने जाते हैं। यहां दो प्रश्न बनते हैं, एक तो विश्व के इतिहास के जनक कौन माने जाते हैं, और एक भारतीय इतिहास के जनक कौन माने जाते हैं। दोनों चीजें आपको ध्यान रखनी है। जहां विश्व के इतिहास की बात करें, तो विश्व के इतिहास के जनक एक यूनानी इतिहासकार है, हेरोडोटस। विश्व इतिहास के जनक माने जाते हैं हेरोडोटस। इनके द्वारा जो प्रसिद्ध रचना लिखी गई थी, इनकी प्रमुख जो पुस्तक है, उस पुस्तक का नाम है द हिस्टोरिका। हेरोडोटस की जो प्रसिद्ध रचना है, ये रचना आपको ध्यान रखनी है, इनकी प्रसिद्ध रचना है द हिस्टोरिका। ये जो द हिस्टोरिका पुस्तक है, इस किताब में इन्होंने समुच्चय दुनिया का इतिहास लिखा है। कोई ना कोई जानकारी विश्व के सभी जो तत्कालीन देश थे, उन सभी देशों का कोई ना कोई जिक्र इन्होंने अपनी किताब में किया है। तो
तो भारत उस समय, क्योंकि भारत तो दुनिया की प्राचीनतम सभ्यताओं में से एक है ना, जो लंबे समय तक जीवित है। इसके समकालीन सभी समय सभ्यताएं जो वो अपना वजूद खो चुकी है, लेकिन भारतीय सभ्यता अपने आज भी अस्तित्व में है। इसीलिए तो कवि इकबाल ने लिखा कि यूनान मिस्र रोम मिट गए जहां से, यूनान मिस्र रोम मिट गए जहां से, कुछ खास बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी। ये भारतीय संस्कृति की विशेषता है। जब जब समय बदला तो भारतीय संस्कृति भी अपने समय के अनुकूल ढली, और ये हमेशा भारतीय संस्कृति के जीवित रहने का सबसे बड़ा कारण रहा है कि समय के साथ है ना, परिस्थितियों के साथ में भारतीय संस्कृति ने भी बदलाव लिया। ठीक है, तो ये जो हिस्टोरी का पुस्तक है इसमें इन्होंने हर देश का विवरण लिखा है। ठीक है, और अगर हम भारत की बात करें तो इस ग्रंथ में जो हमें भारत से संबंधित जानकारी मिलती है वो ये है, भारत और फारस। इस ग्रंथ में भारत और फारस ये जो दोनों देश है, इन दोनों देशों के मध्य जो व्यापार हुआ करता था सिंधु घाटी सभ्यता के समय या वैदिक काल के समय, इस व्यापारिक घटनाओं का जिक्र जो है हेरोडोटस ने अपनी रचना हिस्टोरिका में लिखा है। अब आपको ध्यान रखना है, भारत और ये जो फारस है इसको वर्तमान में हम लोग कहते हैं ईरान। इसका प्राचीन नाम फारस या पर्सिया था, ईरान का प्राचीन नाम पर्सिया या फारस था। ठीक है, तो भारत और ईरान के मध्य जो धात्विक, विशेष रूप से धातुओं का आयात निर्यात होता था, ठीक है, व्यापार के रूप में अगर हम बात करें, सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में हम पढ़ेंगे, तो जो व्यापार हुआ करता था इन दोनों देशों के बीच में, इसी व्यापार के बारे में जानकारी जो है वो हेरोडोटस ने अपनी पुस्तक हिस्टोरिका में लिखा है। ठीक है, हेरोडोटस ने अपनी पुस्तक हिस्टोरिका में लिखा है कि इतिहास जो है, ये इतिहास शब्द जो है, इतिहास शब्द की अगर हम बात करें तो इतिहास शब्द की जो उत्पत्ति है, इतिहास शब्द एक शब्द है हिस्टीरिया। इन्होंने इतिहास शब्द की उत्पत्ति लिखी है कि इतिहास शब्द की उत्पत्ति हिस्टीरिया शब्द से हुई है। हिस्टीरिया शब्द, इस हिस्टीरिया शब्द से इन्होंने इतिहास शब्द की उत्पत्ति बताई है। ठीक है, इसी हिस्टीरिया शब्द से इतिहास शब्द बना है, हिस्ट्री शब्द बना है, और इस हिस्टीरिया शब्द का तात्पर्य होता है अनुसंधान, अनुसंधान। तो इतिहास जो है वो एक तरह से विज्ञान की भांति अनुसंधान का विषय है। ठीक है, और यहां आपको ध्यान रखना है कि ये हेरोडोटस जो है इन्हें विश्व के इतिहास का जनक माना जाता है, विश्व इतिहास के जनक। और इनके द्वारा जो प्रसिद्ध रचना लिखी गई है, इनकी जो प्रसिद्ध पुस्तक है वो है द हिस्टोरिका, जिसमें इन्होंने भारत की अगर हम बात करें तो भारत और फारस के बीच के व्यापारिक घटनाओं का जिक्र इन्होंने अपनी रचना में किया है। ठीक है, अब यहां दूसरा प्रश्न आता है, हमने विश्व के इतिहास के जनक के बारे में पढ़ा, यहां दूसरा प्रश्न बनता है कि भारतीय इतिहास के जनक कौन माने जाते हैं। ठीक है, तो हम थोड़ी सी चर्चा करते हैं कि भारतीय इतिहास के मुख्य जनक कौन माने जाते हैं। भारतीय इतिहास के जनक की अगर हम बात करें तो भारत का सबसे बड़ा महाकाव्य हम लोग जानते हैं वो है आपके महाभारत। भारत नहीं, विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य भी ये माना जाता है, महाभारत। और ये जो महाभारत ग्रंथ है, इस महाभारत के रचयिता हम लोग जानते हैं वो है महर्षि वेद व्यास। ये जो वेद व्यास जी हुए, इनका वास्तविक नाम था महर्षि कृष्णन द्वैपायन वेद व्यास, महर्षि कृष्णन द्वैपायन वेद व्यास, द्वैपायन वेद व्यास। एक ऐसे ऋषि जिनको वेदों का ज्ञान हो वो भारतीय संस्कृति में वेद व्यास कहलाते हैं। वेद व्यास के नाम से कई शिष्य, कई ऋषि अपने भारतीय संस्कृति में हुए हैं। ठीक है, और इन्हीं श्रृंखला में जो सबसे प्रसिद्ध हुए वो महर्षि कृष्णन द्वैपायन हुए। इन्होंने वेदों का संकलन भी किया था, ठीक है, इसलिए ये वेद व्यास कहलाए, और इन्हीं के द्वारा महाभारत की रचना की गई थी। ठीक है, तो महाभारत सबसे बड़ा महाकाव्य अपने माना जाता है, सबसे बड़ा महाकाव्य, सबसे बड़ा महाकाव्य। अब यहां इसका जो सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न जो बार बार पूछा जाता है वो ये है, इस महाभारत का जो प्राचीन नाम है, प्राचीन नाम कई बार पूछा जाता है, महाभारत का प्राचीन नाम क्या था, तो आपको ध्यान रखना है इस महाकाव्य का प्राचीन नाम जो था ये था जय संहिता।
महाभारत का प्राचीन नाम आपको ध्यान रखना है, जय संहिता था। कई बार ये प्रश्न पूछा जाता है, महाभारत महाकाव्य का प्राचीन नाम क्या था? जय संहिता था। जय संहिता शुरुआत में इसको कहा गया। फिर जब वो ऐतिहासिक युद्ध हुआ कौरवों और पांडवों के बीच में, कुरुक्षेत्र का युद्ध, तो इस लड़ाई के बाद में इस महाकाव्य का नाम महाभारत रखा गया। ठीक है, तो प्राचीन नाम आपको ध्यान रखना है, जय संहिता है। इस महाभारत की अगर हम बात करें तो महाभारत में टोटल 1,00,002 है। दोहों की संख्या कितनी है? तो 1,00,002 हैं महाभारत में। और 1,00,002 की संख्या होने के कारण महाभारत को कहा जाता है सत सहस्त्र संहिता। सत सहस्त्र संहिता, महाभारत का एक नाम और भी है सत सहस्त्र संहिता। यह सत सहस्त्र संहिता क्या है तो आपको ध्यान रखना है, सत का मतलब 100, सहस्त्र का मतलब 1,000, संस्कृत का शब्द है ये। सत का तात्पर्य 100 होता है और सहस्त्र जो है इसका तात्पर्य होता है 1,000, और संहिता का मतलब महाकाव्य। ठीक है, ग्रंथ, ऐसा महाकाव्य जिसमें 100,000 दोहे हो, मतलब 1,00,000 दोहे हो, उस महाकाव्य को सत सहस्त्र संहिता कहा जाता है। ठीक है, महाभारत का युद्ध आप लोग जानते हो कुरुक्षेत्र में लड़ा गया था, और ये कुरुक्षेत्र का जो मैदान है ये है हरियाणा में। यहीं पर भगवान श्री कृष्ण ने कर्म करने की बात कही, कर्मण्येवाधिकारस्तु मा फलेषु कदाचन, जो गीता का सारांश है वो यहीं पर अर्जुन को दिया गया था, गीता का उपदेश दिया गया था। और इस कुरुक्षेत्र के मैदान में जो ये लड़ाई चली थी ये 18 दिनों के तक चली थी, जिसमें अंततः धर्म की विजय होती है, अंततः पांडवों की विजय होती है, जिसमें नेतृत्व मुख्य जो सारथी थे वो भगवान श्री कृष्ण थे। ठीक है, तो महाभारत एक ऐतिहासिक ग्रंथ है, इसमें केवल युद्ध का वर्णन नहीं है, उस समय की भारत की सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक व्यवस्था का भी जिक्र इसमें मिलता है। भारत के समुच्चय शक्तिशाली राजवंशों का, शक्तिशाली राजाओं का वर्णन भी इस महाकाव्य में मिलता है। ठीक है, तो ऐसी जानकारियां मिलने के कारण वेद व्यास जी को हम भारतीय इतिहास का जनक मानते हैं, भारतीय इतिहास के जनक, भारतीय इतिहास के जनक। वेद व्यास जी को भारतीय इतिहास का जनक मान सकते हैं। ठीक है, विश्व के इतिहास के जनक कौन माने जाते हैं? तो हेरोडोट्स माने जाते हैं, जिन्होंने हिस्टोरिका, द हिस्टोरिका किताब लिखी। और भारतीय इतिहास के जनक कौन माने जाते हैं? तो आपको ध्यान रखना है महर्षि कृष्णन द्वैपायन वेदव्यास जी जो है, इन्हें भारतीय इतिहास का जनक हम लोग मान सकते हैं। ठीक है, इनके द्वारा जो महाकाव्य लिखा गया वो महाकाव्य है महाभारत। ठीक है, अब देखो कई बार कई इतिहासकार, क्योंकि जो प्राचीनतम ग्रंथ हुए उन ग्रंथों को इतिहासकार जो वो प्रमाणिक नहीं मानते हैं, जैसे महाकाव्य है, धार्मिक ग्रंथ है, इनको बहुत कम इतिहासकार जो ऐसे हैं जो प्रमाणिक मानते हैं। ठीक है, तो अगर प्रमाणिक नहीं माने, इसमें अगर सन का अभाव, क्योंकि इन ग्रंथों में अतिशोक्ति भी है थोड़ी बहुत। ठीक है, तो इस वजह से अगर देखा जाए तो भारतीय इतिहास का जनक कुछ विद्वान जो है वो मेगस्थनीज को भी मानते हैं। मेगस्थनीज, मेगस्थनीज, मेगस्थनीज जो थे इनको भी भारतीय इतिहास का जनक मानते हैं। ठीक है, क्यों माने जाते हैं इसके बारे में थोड़ी चर्चा कर लेते हैं। मेगस्थनीज कौन था तो आपको ध्यान रखना है, इसके बारे में विस्तृत रूप से आगे पढ़ेंगे मौर्य राजवंश में, जब हम चंद्रगुप्त मौर्य पढ़ेंगे तो उस समय। यहां इतना ध्यान रखना, मेगस्थनीज भारत आने वाला पहला राजदूत था। मेगस्थनीज भारत आने वाले प्रथम राजदूत, भारत आने वाले प्रथम राजदूत, भारत आने वाले पहले राजदूत माने जाते हैं कौन? मेगस्थनीज। किसके दरबार में ये आए थे? तो उस समय मौर्य वंश का राजा था चंद्रगुप्त मौर्य, चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आए। चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में ये भारत आते हैं। ठीक है, और ये भारत आने का एक उद्देश्य लेकर के आते हैं, इसके बारे में आगे जब मौर्य राजवंश पढ़ेंगे तब इसके बारे में विस्तृत पढ़ेंगे। सेल्यूकस मेगस्थनीज को भेजता है कि आप चंद्रगुप्त मौर्य को जाओ और जाकर के ये संदेश दो कि या तो वो मेरे साथ में लड़ाई लड़े या फिर मेरी अधीनता स्वीकार कर ले, इस उद्देश्य को लेकर के आया था। बाद में चंद्रगुप्त मौर्य मना कर देता है कि हम किसी की अधीनता स्वीकार करते नहीं है, युद्ध होता है, इस युद्ध में चंद्रगुप्त मौर्य युद्ध जीतता है। यही कारण है कि चंद्रगुप्त मौर्य को भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का पहला नायक मानते हैं।
यही कारण है कि चंद्रगुप्त मौर्य को भारत का मुक्तिदाता मानते हैं, जिन्होंने यूनानियों से हजारों वर्षों तक हिंदुस्तान की गुलामी को टाल दिया था, हिंदुस्तान की दासता को टाल दिया था। इसलिए भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का पहला नायक चंद्रगुप्त मौर्य माना जाता है, भारत का मुक्तिदाता चंद्रगुप्त मौर्य माना जाता है, यह आपको ध्यान रखना है। तो मेगस्थनीज जिस पर्पज के लिए आया था वो आगे हम चर्चा करेंगे इतिहास में। यहां आपको ध्यान रखना है इसकी जो सबसे प्रसिद्ध रचना है वो बार बार एग्जाम में पूछी जाती है, मेगस्थनीज की जो सबसे प्रसिद्ध रचना है वो है इंडिका। मेगस्थनीज के द्वारा जो ग्रंथ लिखा गया था वो ग्रंथ है इंडिका, और ये इंडिका ऐसा नाम है जो हर एग्जाम में पूछा जाता है। इंडिका के रचयिता कौन है, इंडिका से जुड़ी हुई एक एक जानकारी आपको ध्यान रखनी है। तो इंडिका मेगस्थनीज की प्रसिद्ध रचना है। इस इंडिका पुस्तक में तत्कालीन मौर्य वंश का इतिहास मिलता है, मौर्य काल का इतिहास। इसमें इंडिका में भारत की सामाजिक व्यवस्था का भी उल्लेख मिलता है, और इसी इंडिका में मेगस्थनीज ने भारतीय समाज को 7 भागों में बांटा, यह आपको ध्यान रखना है। किस ग्रंथ में मेगस्थनीज ने भारतीय समाज को 7 भागों में बांटा है, तो इंडिका पुस्तक में इन्होंने भारतीय समाज को 7 भागों में बांटा कि समाज जो है वो अलग अलग वर्ण के हिसाब से, अलग अलग जो है वो क्रम के हिसाब से, एक स्टेटस के हिसाब से भारतीय समाज जो वो 7 भागों में बटा हुआ है। ठीक है, तो मेगस्थनीज को भी कई विद्वान जो है भारतीय इतिहास का जनक मानते हैं। इन्होंने अपनी रचना में प्राचीनतम इतिहास के बारे में लिखा है, और इनकी रचना को सारे विश्व में ऑथेंटिक मानते हैं, प्रमाणिक मानते हैं। तो वेदव्यास अगर ऑप्शन में नहीं, और अगर प्रश्न आए भारतीय इतिहास के जनक कौन माने जाते हैं, तब इसका सही जवाब होगा मेगस्थनीज। ठीक है, तो ये तो अपने इतिहास शब्द से चर्चा हो गई, इतिहास शब्द की जानकारी हो गई। अब देखो, अगर हम प्राचीन भारत की, प्राचीन इतिहास की बात करें, जब मनुष्य की उत्पत्ति हुई उससे लेकर के वर्तमान तक, आज तक का इतिहास अगर हम देखें, या स्वतंत्रता संग्राम तक की घटनाओं के बारे में जाने, तो इसको अलग अलग खंडों में बांटा जा सकता है। ठीक है, और यहां आप लोगों को पहली चीज ये ध्यान रखनी है, प्राचीन इतिहास को या मध्यकालीन इतिहास को अगर हम समझेंगे तो उनके जानने के स्रोत आपको जानने पड़ेंगे, और यहां से बहुत ज्यादा प्रश्न जो वो पूछे जाते हैं। इतिहास को जानने के स्रोत की अगर हम बात करें, किन किन चीजों के माध्यम से इतिहास को जाना जा सकता है, तो इतिहास को जानने के 2 महत्वपूर्ण स्रोत हैं। और दोनों आपको ध्यान रखना है, कौन कौन से स्रोत हैं। तो पहला जो स्रोत है वो है आपके पुरातात्विक स्रोत। जो सत्य घटनाएं होती है इतिहास, जिनका कोई ना कोई प्रमाण होता है, इतिहास उन्हीं को स्वीकार करता है। ठीक है, असत्य घटना को, काल्पनिक घटना को, अतिशयोक्ति को इतिहास में कभी भी शामिल नहीं किया जा सकता है। ठीक है, जैसे हम लोग सुनते हैं कि महाभारत में ऐसा हुआ, महाभारत में ये हुआ, रामायण में ये हुआ, लेकिन उनका प्रमाण इतिहासकारों के पास में नहीं है, इसकी वजह से वो घटनाएं केवल काल्पनिक मानते हैं। ठीक है, जिनका कोई ना कोई प्रमाण है, जैसे मान लो अशोक का प्रमाण है, उसके शिलालेख है, तो इतिहासकार उस चीज को स्वीकार करते हैं कि अशोक महान था, उसका इतना बड़ा साम्राज्य था। ठीक है, तो इतिहास कोई ना कोई जानकारी के अभाव में कार्य नहीं करता है। ठीक है, इतिहास उन्हीं चीजों को स्वीकार करता है जिनकी लिखित जानकारी हो, जिनका कोई ना कोई विवरण हो, तभी उन चीजों को इतिहास में शामिल कर सकते हैं, नहीं तो एक तरह से वो क्विदंतियां होती है, एक तरह से वो प्राचीनतम दंत कथाएं मान सकते हैं। तो जो पुरातात्विक स्रोत जो हमें मिले हैं इतिहास में, प्राचीन इतिहास को जानने के, उन पे हम चर्चा करेंगे। दूसरा जो स्रोत है वो है साहित्यिक स्रोत। इतिहास को जानने का दूसरा जो सोर्स है यह है साहित्यिक स्रोत। देखिए, अगर हम पुरातात्विक स्रोत की बात करें तो पुरातात्विक स्रोत में क्या क्या चीजें आती है, पुरातात्विक स्रोत की अगर हम बात करें तो पुरातात्विक स्रोत में आप लोग अभिलेख ले सकते हो। अभिलेख का तात्पर्य क्या है गुरुजी, तो अभिलेख का मतलब जो कोई ना कोई किसी ना किसी प्रकार का लेख हो, चाहे वो शिलालेख हो, पत्थर पर लिखा हुआ लेख हो, चाहे वो स्तंभ लेख हो, चाहे वो ताम्र पत्र लेख हो, ये सारी चीजें अभिलेखों में आती है। अभिलेखों से संबंधित जो अध्ययन किया जाता है विज्ञान की उस शाखा को कहा जाता है एपिग्राफी। विज्ञान की वह शाखा जिसमें अभिलेखों से संबंधित अध्ययन किया जाता है, तो अभिलेखों से संबंधित अध्ययन को क्या कहा जाता है,
एपिग्राफी कहा जाता। तो शिलालेख, स्तंभलेख, ताम्रपत्र लेख जो है ये सारी चीजें अभिलेख के स्रोत हो गई। तो जो जो प्राचीनतम अभिलेख है उनके बारे में हम चर्चा करेंगे, उनसे समझेंगे, है ना भाई। अभिलेख मिले तभी तो हमें पता चलता है कि अशोक ने कलिंग की लड़ाई लड़ी थी, उसके 13वें शिलालेख से हमें पता चलता है, उसके दूसरे शिलालेख से यह पता चलता है कि पशुओं की भी चिकित्सा प्रणाली थी, उसके पहले शिलालेख से हमें पता चलता है कि पशु हत्या पर उसने प्रतिबंध लगाया था। तो ये जानकारी हमें लिखित रूप से मिली है तभी तो इनको समझ सकते हैं, ठीक है। इसके बाद में पुरातात्विक स्रोत में दूसरी चीज आती है आपके विभिन्न मृदुभांड। मृदुभांड, मृदुभांडों से भी किसी ना किसी संस्कृति को जाना जाता है, ठीक है। जैसे अगर हम बात करें तो भारतीय संस्कृति में चार प्रकार के मृदुभांड माने गए हैं, चार प्रकार के। सबसे प्राचीनतम जो मृदुभांड है वो सिंधु घाटी सभ्यता में मिले हैं और ये गेरुआ रंग के मिले हैं। उसके बाद में वैदिक काल की अगर हम बात करें तो वैदिक काल में लाल और काले रंग के मृदुभांड मिले हैं, ठीक है। उत्तर वैदिक काल की अगर हम बात करें तो उत्तर वैदिक काल में चित्रित मृदुभांड मिले हैं, ठीक है। और उसके बाद में अगर हम बात करें मौर्य काल में, तो मौर्य काल में चमकीले और पॉलिश युक्त मृदुभांड जो है ये मिले हैं, ठीक है। और ये जो चमकीले और पॉलिश युक्त मृदुभांड है यही सबसे शानदार सर्वश्रेष्ठ मृदुभांड जो है वो चारों श्रेणियों में माने जाते हैं, ठीक है। तो इनके बारे में बाद में हम चर्चा करेंगे, अभी आपको इतना ध्यान रखना है कि जो मृदुभांड है इन मृदुभांडों से भी भारतीय संस्कृति को जाना जा सकता है, ठीक है। ये भी एक पुरातात्विक स्रोत का अच्छा महत्वपूर्ण जानकारी का है, ठीक है। इसके अलावा प्राचीनतम धरोहर, प्राचीनतम मंदिर, ठीक है, यानी पुरातात्विक स्थल कह सकते हैं, पुरातात्विक स्थल। मान लो कोई प्राचीनतम मंदिर मिला है, कोई दुर्ग मिला है, कोई बावड़ी मिली है, उन पर कोई लेख मिला हुआ है जिससे ये पता चलता है कि इनका निर्माण किसने करवाया, किस राजा ने करवाया, वो कितना शूरवीर था, तो ये सारी चीजें। इसके अलावा पुरातात्विक स्रोत में आपको ध्यान रखना है सिक्के भी शामिल हैं, सिक्के, विभिन्न प्रकार की जो मुद्राएं हैं इन मुद्राओं से भी इतिहास को समझा जा सकता है, ठीक है। सिक्कों से भी इतिहास को समझा जा सकता है, जैसे मान लो समुद्रगुप्त का कोई सिक्का मिला है, उसमें वो वीणा बजा रहा है, तो इस सिक्के से हमें यह पता चला है कि समुद्रगुप्त जो था वो संगीत का शौकीन था, वीणा बजाने में दक्ष था, मां सरस्वती का भक्त था, है ना। ये बहुत सारी जानकारियां मिलती है इतिहास, ठीक है। जैसे मान लो कोई सिक्का है और उस पर कोई पशु पक्षी का चिन्ह है, तो उससे यह पता चलता है कि उस समय इस पशु पक्षी को पवित्र माना जाता था, ठीक है। जैसे सिंधु घाटी सभ्यता की जो मुद्रा मिली है उस पर पशुपतिनाथ की मूर्ति है, तो हमें पता चलता है कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोग जो थे वो भगवान शिव के उपासक थे, ठीक है। उस समय जिन पशुओं का वर्णन मिलता है, हाथी है, गेंडा है, आना भैंसा है, बैल है, तो इनका भी वर्णन मिलता है, हिरण का भी वर्णन मिलता है, तो ये पता चलता है कि उस समय सिंधु घाटी सभ्यता के ये प्रमुख पशु थे, ठीक है। तो ये सिक्कों से भी हमें जानकारियां मिलती है, मुद्राओं से भी, विभिन्न प्रकार की मुद्राएं जो है इनसे भी इतिहास को समझा जा सकता है, जाना जा सकता है, ठीक है। इसके बाद में अगर हम बात करें साहित्यिक स्रोत की, तो साहित्यिक स्रोत से हमें क्या क्या जानकारियां मिलती है। ये जो साहित्यिक स्रोत है, इस साहित्यिक स्रोत की अगर हम बात करें तो साहित्यिक स्रोत से क्या क्या महत्वपूर्ण जानकारियां हमें मिलती है, ठीक है। देखिए साहित्यिक स्रोत में प्राचीनतम धार्मिक ग्रंथ आ सकते हैं, धार्मिक ग्रंथ, जो भारत के प्राचीनतम धार्मिक ग्रंथ है, तो धार्मिक ग्रंथों से भी हमें इतिहास को जानने में मदद मिलती है, ठीक है। इसके अलावा ब्राह्मण ग्रंथ, ब्राह्मण साहित्य, प्राचीनतम जो ब्राह्मण साहित्य है, वेद, आपके पुराण, उपनिषद, ये जो है इनसे भी हमें इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है, ठीक है। इसके अलावा विदेशी यात्रियों का विवरण, विदेशी ग्रंथ या विदेशी इतिहासकार, जब जब भारत पर कोई ना कोई विदेशी आक्रमणकारी आया तो वो अपने साथ में इतिहासकार भी लेकर के आया था, चाहे वो यूनानी हो, चाहे उसके बाद के कोई आक्रमणकारी हो, सबके साथ में विदेशी इतिहासकार आए, आना जैसे मेगस्थनीज है, या चीनी इतिहासकार जो फायान वेनसांग है, बड़े इंपोर्टेंट है, ठीक है, इत्सिंग है। तो इन इतिहासकारों ने जो ग्रंथ लिखे उन ग्रंथों में भारत से संबंधित और भारतीय संस्कृति से संबंधित हमें बहुत सारी जानकारियां मिलती है, ठीक है। इसके अलावा ऐतिहासिक ग्रंथ जो है, ऐतिहासिक ग्रंथ, विभिन्न प्रकार के जो ऐतिहासिक ग्रंथ हैं, इन ऐतिहासिक ग्रंथों से भी हमें बहुत सारी जानकारियां प्राचीन इतिहास को जानने में मिलती है। जैसे मान लो चाणक्य का अर्थशास्त्र है, उसमें मौर्य साम्राज्य की पूरी जानकारी मिलती है, ठीक है। गुप्तकालीन जो ग्रंथ लिखे गए, आना कालिदास की प्रसिद्ध रचनाएं हैं, ठीक है, पंचतंत्र महाकाव्य है, तो इन सारे ग्रंथों से हमें
उस समय की घटनाओं का जिक्र भी, उस समय की घटनाओं का जो स्थिति है उसके बारे में भी हमें प्रमाण मिलता है। ठीक है, तो इतिहास के स्रोत की अगर हम बात करें तो दो महत्वपूर्ण स्रोत है, एक पुरातात्विक स्रोत है और दूसरा साहित्यिक स्रोत है। एक एक चीज को क्रमबद्ध तरीके से हम पढ़ेंगे, अभिलेख, सिक्के, मृदुभांड, पुरातात्विक स्थल, धार्मिक ग्रंथ, सारी चीजें जो क्रमबद्ध तरीके से पढ़ेंगे, इनसे हमें क्या जानकारियां मिली इसके बारे में भी हम विस्तृत रूप से चर्चा करेंगे। अभी आपको बेसिक जानना है, ठीक है। अब देखो, इतिहास को जानने की अगर हम बात करें तो तिथि के आधार पर, तिथि के आधार पर अगर हम बात करें तो इतिहास को तिथि के आधार पर दो तिथियां आपको देखने को मिलेगी, दोनों ही महत्वपूर्ण है। दो शब्द आप इतिहास में बार बार देखोगे जब भी प्राचीन इतिहास पढ़ोगे तब, ठीक है। एक आप देखोगे ईसा पूर्व, ईसा पूर्व, एक देखोगे आप ईसवी सन, ईसवी सन, ईसा पूर्व और ईसवी सन। बड़ा कंफ्यूजन होता होगा आपको इन दोनों के बीच में, आज के बाद में नहीं होगा, ढंग से इसको देख लेना। ईसा पूर्व का मतलब जो ईसा मसीह थे, जो ईसाई धर्म के प्रवर्तक थे, जिनको गॉड यीशु भी हम लोग कहते हैं, जिनका जन्म इज़राइल के जेरूसलेम के निकट बैतलहम कस्बे में पहली शताब्दी में हुआ, तो ईसा मसीह के जन्म से पहले का जो कैलेंडर था वो ईसा पूर्व था, ठीक है। अब इसमें क्या होता है कि ये जो ईसा पूर्व है ना, इसकी गणना उल्टी होती है। जैसे आपने देखा कि चंद्रगुप्त मौर्य का राजा बनने का जो तिथि है वो 322 ईसा पूर्व है, ठीक है, और 24 वर्षों तक शासन करता है वो 298 ईसा पूर्व में उसकी मृत्यु हो जाती है, तो ये उल्टी चलती है, 322 के बाद में 323 नहीं आती, जैसे ईसवी सन आगे चलती है ना, 2020 के बाद में 21 आएगी, लेकिन ईसा पूर्व उल्टी चलती है। इसको जो कैलेंडर बनाया किसी ने, तो वो एक कैलेंडर बना दिया, मान लो 10,000 वर्षों का एक कैलेंडर बना दिया और उसमें नियम बना दिया कि 10,000 के बाद में वो उल्टा चलता रहेगा, 10,000 के बाद में 9,999, एक दिन ये स्थिति आ गई, सन एक आ गई। अब एक के बाद में तो कोई पीछे जाएगा नहीं, मामला माइनस में तो जा नहीं सकता, ठीक है। तो ऐसी स्थिति में फिर दूसरा कैलेंडर बनाया गया, उसको हम कहते हैं अंग्रेजी कैलेंडर, और ये कहलाया ईसवी सन। तो ईसा मसीह के जन्म से पहले का कैलेंडर ईसा पूर्व कहलाता है। इस ईसा पूर्व को अंग्रेजी में कहते हैं बीसी, बिफोर क्राइस्ट, बिफोर क्राइस्ट, ठीक है, बीसी इसको कहते हैं, ठीक है। और ये जो ईसवी सन है इसको कहते हैं एडी, एनो डोमिनी, एनो डोमिनी। ईसवी सन को क्या कहा जाता है, एनो डोमिनी कहा जाता है। ये ईसा मसीह के जन्म के बाद का कैलेंडर है और ये ईसा मसीह के जन्म से पहले का कैलेंडर है। अब आजकल देखो, अभी सीटेट में ये प्रश्न पूछा गया था, जो ईसा पूर्व है जिसको बीसी कहा जाता है, इस बीसी को चेंज करके इसकी जगह कर दिया, वर्तमान में इसको कहा जाता है बीसीई। ईसा पूर्व को वर्तमान नवीनतम जो नाम है वो क्या हो गया, बीसीई। और इस बीसीई का मतलब क्या होता है, तो इसका मतलब होता है बिफोर कॉमन एरा, बिफोर कॉमन एरा। ये नाम पूछा गया था सीटेट में कि बीसीई का तात्पर्य क्या है, ठीक है। तो बीसीई का पूरा नाम आपको ध्यान रखना है, बिफोर कॉमन एरा है। ये जो एडी है इसको कर दिया गया है सीई, इसको आजकल सीई लिखा जाता है, इसका तात्पर्य है कॉमन एरा। सीई का आपको ध्यान रखना है, सीई जो है इस सीई को वर्तमान में कहा जाता है कॉमन एरा, ठीक है। तो दोनों कैलेंडर के बारे में आपको ध्यान रखना है, ठीक है। ईसा पूर्व जो है, इस ईसा पूर्व को वर्तमान में बीसीई लिखा जाता है, बिफोर कॉमन एरा लिखा जाता है, और ईसवी सन जिसको एडी कहा जाता था इसको वर्तमान में सीई कहा जाता है, यानी कॉमन एरा कहा जाता है। ये आप लोगों को ध्यान रखना है, ठीक है। तो तिथि के आधार पर अगर देखा जाए तो तिथि के आधार पर ध्यान रखना आपको दो तिथियां है, एक तो ईसा पूर्व है और दूसरी है ईसवी सन। तिथि के बाद में आपको ध्यान रखना है लिखित साक्ष्य के आधार पर अगर देखा जाए, लिखित साक्ष्य के आधार पर अगर देखा जाए, लिखित साक्ष्य, इस लिखित साक्ष्य की अगर हम बात करें
तो लिखित साक्ष्य के आधार पर इतिहास जो है, इस इतिहास को तीन खंडों में बांटा गया। कितने खंडों में बांटा गया है? तीन खंडों में बांटा गया। लिखित साक्ष्य के आधार पर इतिहास जो है, इस इतिहास को तीन खंडों में बांटा गया, ये आपको ध्यान रखना है। तीन खंड कौन कौन से हैं, इनके बारे में हम चर्चा करेंगे। ध्यान रखना, ये तीनों ही खंड महत्वपूर्ण है, यहां से प्रश्न जो वो पूछे जाते हैं, ठीक है। तो ये जो तीनों खंड है, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे कि कौन कौन से तीनों खंड जो है वो लिखित साक्ष्य के आधार पर हम, चलिए इसके बारे में जानते हैं। देखो, सबसे पहला जो खंड है वो है प्राग ऐतिहासिक काल। प्राग ऐतिहासिक काल, प्राग ऐतिहासिक काल, दूसरा जो खंड है वो है आद्य ऐतिहासिक काल। आद्य ऐतिहासिक काल, आद्य ऐतिहासिक काल, और तीसरा खंड है इतिहास। प्राग ऐतिहासिक काल क्या है, आद्य ऐतिहासिक काल क्या है, इतिहास क्या है, इनके बारे में जान लेते हैं। देखो, प्राग ऐतिहासिक काल का तात्पर्य क्या है, ठीक है। तो एक ऐसा समय जब मनुष्य नग्न अवस्था में रहता था, उसके पास में अगर हम बात करें तो ना तो कोई विशेष संसाधन थे, ना कोई विशेष संस्कृति में वो था, ना कोई सभ्यता थी, ठीक है। वो जो युग था उस समय, उस युग को प्राग ऐतिहासिक काल कहा जाता था। और इस समय अगर हम बात करें तो कोई भी लिपि नहीं मिली है, किसी भी लिखित लिपि की जानकारी इस काल में नहीं मिलती है। इतिहास का वह दौर जिसमें लिखित रूप से कोई भी सोर्स नहीं मिला हो, उस युग को प्राग ऐतिहासिक काल कहते हैं। मनुष्य जंगलों में रहता था, नग्न अवस्था में रहता था, है ना, जानवरों की भांति उसके जीवन का व्यतीत करने का एक कल्चर था, ठीक है। इस काल में मनुष्य पत्थरों पर ही निर्भर था, ज्यादातर जो थे वो पत्थरों के ही उपयोग होते थे, ठीक है। और इसलिए इस युग को प्रस्तर युग भी कहा जा सकता है। और ये जो प्राग ऐतिहासिक काल है, इसको तीन भागों में बांटा गया है। फिर तीन भाग कौन कौन से हैं, तो आपको ध्यान रखना है। एक है आपके पुरापाषाण काल, पुरापाषाण। एक है आपके मध्यपाषाण, मध्यपाषाण। और एक है नवपाषाण, नवपाषाण, ठीक है। पुरापाषाण, मध्यपाषाण और नवपाषाण, ये प्रस्तर युग था, पत्थरों का ही ज्यादातर उपयोग होता था। मनुष्य जो था वो पत्थरों का हथियार बना करके तैयार करता था, पत्थरों के माध्यम से ही वो जो है वो अलग अलग क्रियाएं करता था। तो पत्थर जो थे वो मुख्य रूप से इसके हथियार के रूप में प्रयोग में लिए जाते थे, ठीक है। इस समय कुछ घटनाएं जरूर हुई थी, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। मनुष्य जो था, उस मनुष्य ने कृषि करना शुरू कर दिया था, पहली घटना। मनुष्य ने पशुपालन करना शुरू कर दिया था, दूसरी घटना। मनुष्य ने आग की खोज कर ली थी, ठीक है। आग की खोज की अगर हम बात करें तो कहा जाता है कि मनुष्य जो था वो दो पत्थरों को आपस में टकरा रहा था, और अचानक उसने देखा कि दोनों पत्थरों को टकराने से एक चिंगारी निकलती है, और जैसे वो चिंगारी निकलती है तो वो घास फूस को एकत्रित करके फिर उस चिंगारी का उपयोग करता है, आग लग जाती है। तो उसको कहा कि यार ये बड़ी काम की चीज है, है ना। इससे फिर उसको एक फायदा यह हुआ कि रात्रि के समय उसको उजाला मिला, प्रकाश मिला, है ना। जंगली जानवरों से जो डर था वो डर खत्म हो गया, आग के पास में वो आते नहीं थे। और जो कच्चा मांस मनुष्य चबा करके खाता था, जैसे ही उसने आग में पका करके उसको खाने की शुरुआत की तो उसको लगा कि यार ये तो बहुत अच्छी चीज है, है ना, ये और ज्यादा स्वादिष्ट होगी इस आग की वजह से, ठीक है। और इस दौरान मनुष्य का सबसे महत्वपूर्ण कार्य, मनुष्य ने एक खोज की थी, वो खोज की थी पहिया की। किसकी खोज की थी? पहिया की। मनुष्य का सबसे महत्वपूर्ण जो आविष्कार है यह है पहिया का आविष्कार। अब इसमें आपको जो प्रश्न पूछे जाते हैं वो मैं आपको बता देता हूं, ठीक है। कृषि का पहला जो प्रमाण है यह आपको ध्यान रखना है, मिलता है मेहरगढ़। मेहरगढ़ है आपके पाकिस्तान में। कृषि का पहला प्रमाण कहां पर मिलता है, यह हर बार एग्जाम में पूछा जाता है, तो मेहरगढ़ में मिलता है, ठीक है। दूसरा है पशुपालन। पशुपालन का पहला उल्लेख आपको ध्यान रखना है, मिलता है बागोर में। बागोर है आपके भीलवाड़ा में। भीलवाड़ा, बागोर कौन सा है? बागोर सभ्यता स्थल जो है, यहां पर पशुपालन का पहला प्रमाण मिलता है। और पहिया की बात करें तो मनुष्य का पहला आविष्कार माना जाता है। इस समय आपको ध्यान रखना है, मनुष्य ने एक धातु का प्रयोग करना और शुरू कर दिया था, ठीक है। और वो धातु था तांबा। मनुष्य के द्वारा खोजा गया पहला धातु कौन सा था, तो मनुष्य द्वारा खोजा गया प्रथम धातु, ध्यान रखना है, तांबा था। और पहला जो हथियार था वो कुल्हाड़ी था। मनुष्य द्वारा बनाया गया पहला हथियार कौन सा था?
कुल्हाड़ी। मनुष्य ने सबसे पहले जिसको पालतू बनाया वो था कुत्ता। ये ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं, ये सारी चीजें पूछी गई है, ठीक है। मनुष्य द्वारा खोजा गया पहला धातु कौन सा है? तांबा। मनुष्य का पहला पालतू जानवर कौन सा है? कुत्ता। मनुष्य के द्वारा बनाया गया पहला हथियार, तांबे से निर्मित पहला हथियार कौन सा है? तो कुल्हाड़ी। और ये दोनों मोस्ट क्वेश्चन है। कृषि का पहला उल्लेख जो है वो सर्वप्रथम कहां से मिलता है? मेहरगढ़ सभ्यता स्थल जो है वहां से मिलता है, ये पाकिस्तान में है। पशुपालन का पहला प्रमाण कहां पर मिलता है? तो बागौर सभ्यता स्थल जो भीलवाड़ा है यहां से पशुपालन की पहली जानकारी मिलती है, ठीक है। इसके बाद में देखो दूसरा है काल आपके आद्य ऐतिहासिक काल। आद्य ऐतिहासिक काल एक ऐसा युग जिसमें लिपि की तो जानकारी मिलती है, लिपि तो मिलती है, लिखित जानकारी तो मिलती है, लेकिन उसको पढ़ा नहीं गया आज तक, क्या लिखा हुआ है ये कोई जानकारी नहीं मिली है। ऐसा युग जिसमें लिखित साक्ष्य तो मिलते हैं लेकिन पढ़ा नहीं जा सकता, वो युग कहलाता है आद्य ऐतिहासिक काल, ठीक है। और यहां अगर हम आद्य ऐतिहासिक काल की बात करें तो इस समय जो अपनी सभ्यता है वो है सिंधु घाटी सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता, यह सिंधु घाटी सभ्यता आपको ध्यान रखना है, इसी समय की है, ठीक है। जिसके बारे में अगर हम बात करें तो विस्तृत रूप से आगे पढ़ेंगे। इसकी लिपि मिली है पृष्ठोपेदन भावचित्रात्मक जो एस आकार की मिली है, लेकिन उसको आज तक पढ़ा नहीं गया, ठीक है। तो लिपि मिली है, लिखित जानकारी मिली है, लेकिन आज तक जिसको पढ़ा नहीं जाए वो कहलाता है आद्य ऐतिहासिक काल। इस काल में मनुष्य ने क्या किया? तांबा जो अत्यधिक लचीला धातु था इसको कठोर बनाने के लिए इसमें टिन मिला दिया और यहां एक नया धातु बन गया मिश्रित धातु कांस्य। कांस्य तांबा और टिन, तांबा और टिन को मिलाकर के मनुष्य ने एक नया धातु बनाया, मिश्रित धातु बनाया, जिसका नाम क्या पड़ गया? कांस्य। तो इस युग को तो कहा जाता है ताम्र युग। ताम्र युग, इस युग को कहा जाता है कांस्य युग। सिंधु घाटी सभ्यता आपको ध्यान रखना है कांस्य युगीन सभ्यता है, ठीक है। और इतिहास जो है ये जो युग है इस समय लोह की खोज होगी तो ये कहलाता है लोह युग, ठीक है। शुरुआत का जो युग है प्रागैतिहासिक काल उसको ताम्र युगीन कल्चर कहते हैं, ये जो आद्य ऐतिहासिक काल इसको कांस्य युगीन क्षेत्र कहते हैं, सभ्यता कहते हैं, और ये जो इतिहास है इसको लोह युग कहते हैं। इतिहास मतलब वह समय जिसमें लिपि भी मिली हो, जिसको पढ़ा भी जा सके, ठीक है, ऐसी लिपि जिसको पढ़ा भी गया हो वो जो युग है वो इतिहास कहलाता है। और अगर हम बात करें इस समय की तो मौर्य काल जो है भारत में, इस मौर्य काल से इतिहास की लिखित जानकारी और मौर्य काल से ही इतिहास की व्यवस्थित शुरुआत जो है वो मानी जाती है। क्यों? इसका कारण क्या है? तो हम जानते हैं कि अशोक जो था इसके शिलालेख जो मिले हैं, इन शिलालेखों को सन 1837 में सबसे पहले जिस विद्वान ने पढ़ा वो विद्वान था जेम्स प्रिंसेप। सबसे पहले अशोक के शिलालेखों को पढ़ने का श्रेय किसको दिया जाता है? तो वो जो पढ़ने वाला व्यक्ति था वो था जेम्स प्रिंसेप, ठीक है। तो मौर्य युग जो है, इस मौर्य युग से इतिहास की वास्तविक जो है व्यवस्थित जो है वो शुरुआत मानी जाती है, ठीक है। तो ये इतिहास को तीन खंडों में हम लोग बांट सकते हैं, ठीक है। अगर हम बात करें इतिहास के बारे में थोड़ी सी और, तो ये जो समय है आद्य ऐतिहासिक काल, इसके बारे में हम सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में विस्तृत जानकारी लेंगे। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि जो ये सिंधु घाटी सभ्यता है, इस सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में आपको सारी जानकारियां रखनी है, ठीक है। सबसे पहली जो सभ्यता है ये अपनी सिंधु घाटी सभ्यता ही है। सिंधु घाटी सभ्यता, इंडस वैली सिविलाइजेशन, इंडस वैली सिविलाइजेशन, सिंधु घाटी सभ्यता, ठीक है। इस सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में हम लोग जानेंगे कि ये क्या है। भारतीय इतिहास की यहीं से शुरुआत मानी जाती है और यहीं से इस सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में हम लोग जानेंगे, ठीक है। चलिए सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में जानते हैं। देखो इस सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में अगर हम जाने तो सबसे पहले तो इसका कालक्रम, कालक्रम, इस सभ्यता का कालक्रम क्या है, ठीक है। तो इस सिंधु घाटी सभ्यता के कालक्रम की बात करें तो अलग अलग मत हैं, ठीक है, और उनमें जो पहला मत है कालक्रम में वो है आपके सर जॉन मार्शल का। सर जॉन मार्शल का
भारतीय पुरातात्विक विभाग के अध्यक्ष सर जॉन मार्शल वही है जिन्होंने 19वीं-20वीं शताब्दी के तीसरे दशक में यानी 1921-22 में हड़प्पा और मोहनजोदड़ो की खोज का कार्य किया। इन्हीं के नेतृत्व में दयाराम साहनी, राकालदास बनर्जी ने हड़प्पा और मोहनजोदड़ो की खोज की थी। ठीक है, तो जॉन मार्शल जो है इन्होंने इस सभ्यता का कालक्रम जो निर्धारित किया, सबसे पहले आपको ध्यान रखना है सर्वप्रथम कालक्रम सिंधु घाटी सभ्यता का किसने निर्धारित किया है, सर्वप्रथम कालक्रम जो है सर्वप्रथम कालक्रम जॉन मार्शल ने निर्धारित किया है। और इन्होंने जो कालक्रम निर्धारित किया है वो किया है 3250 ईसा पूर्व से लेकर 2750 ईसा पूर्व। सिंधु घाटी सभ्यता का काल, ये इस टाइप के क्वेश्चन आजकल बहुत आते हैं तो ये आंकड़े आपको ध्यान रखना है। जॉन मार्शल के अनुसार सिंधु घाटी सभ्यता का कालक्रम कौन सा माना गया है, 3250 से 2750 ईसा पूर्व। ठीक है, इसके बाद में देखो डीपी शर्मा जो है इन्होंने, डीपी शर्मा जो इतिहासकार है इन्होंने सिंधु घाटी सभ्यता का जो कालक्रम माना यह सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। और यही कालक्रम आपको ध्यान रखना है कार्बन डेटिंग पद्धति के अनुसार भी माना गया है, कार्बन डेटिंग। और ये जो कालक्रम डीपी शर्मा ने बताया है वो कालक्रम है आपके 2300 ईसा पूर्व से लेकर 1750 ईसा पूर्व तक, और ज्यादातर इतिहासकार इसी कालक्रम को सही मानते हैं। ठीक है, 2300 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व के बीच का जो समय था इस युग को सिंधु घाटी सभ्यता का समय माना गया है। अगर हम बात करें ना इस सिंधु घाटी सभ्यता की, तो इस सिंधु घाटी सभ्यता को भी तीन भागों में बांट सकते हैं। ठीक है, सिंधु घाटी सभ्यता को तीन खंडों में बांटा जा सकता है। इसका जो पहला खंड है वो आपको ध्यान रखना है, ये जो पहला खंड था शुरुआत में जो ये 3250 के आसपास का समय जो था, इस समय की अगर हम बात करें तो 3200 के आसपास का या 3000 से पहले का जो समय था, इस समय जो सिंधु घाटी सभ्यता थी ये थी आपके ग्रामीण सभ्यता, ग्रामीण सभ्यता, ग्रामीण सभ्यता। और इस ग्रामीण सभ्यता का जो समय था इसको कहा जाता है प्राक हड़प्पा, प्राक हड़प्पा। सिंधु घाटी सभ्यता का जो ग्रामीण अंचल था, मतलब जिस समय गांव में रहते थे, ठीक है, ग्रामीण सभ्यता थी, शहरीय व्यवस्था नहीं थी, तो उस युग को कहा जाता है प्राक हड़प्पा। जब सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे ज्यादा विकसित दौर था उस समय इसको कहा जाता है नगरीय सभ्यता। और जिसके बारे में हम ज्यादातर स्थल मिले हैं, जिनके बारे में हम पढ़ेंगे, वो ज्यादातर महानगरों में ही मिले हैं, है ना, हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, कालीबंगा। तो ये सिंधु घाटी सभ्यता का सर्वाधिक विकसित दौर था, इसको विकसित सभ्यता भी कहा जाता है, नगरीय सभ्यता। और नगरीय सभ्यता के बाद में ये सभ्यता एक तरह से खत्म हो जाती है किन्हीं कारणों की वजह से, चाहे वो प्राकृतिक कारण हो या कोई अन्य कारण हो। तो इसके तीसरे खंड को हम कह सकते हैं पत्नोत्तर हड़प्पा, पत्नोत्तर हड़प्पा। प्राक हड़प्पा, विकसित हड़प्पा, और यह आपको ध्यान रखना है पत्नोत्तर हड़प्पा। ग्रामीण सभ्यता जब थी उसको प्राक हड़प्पा कहते हैं, नगरीय सभ्यता थी तो नगरीय सभ्यता को आपको ध्यान रखना है विकसित हड़प्पा कह सकते हैं। नगरीय सभ्यता को क्या कह सकते हैं, तो नगरीय सभ्यता जो है इसे विकसित हड़प्पा कहा जा सकता है, विकसित हड़प्पा। ठीक है, और जब इसका पतन होने लगा और इसके बाद में जब 1500 ईसा पूर्व के आसपास वैदिक सभ्यता की शुरुआत हुई तो उस युग को कहा जाता है पतनोत्तर हड़प्पा। ठीक है, तो सिंधु घाटी सभ्यता को हम तीन खंडों में बांट सकते हैं, एक इसका प्राचीनतम रूप जब इसकी शुरुआत हुई 3200 के आसपास का समय, ठीक है, ये ग्रामीण सभ्यता थी इसको प्राक हड़प्पा कहते हैं, जब ये सर्वाधिक अच्छे दौर में थी तो उसको नगरीय सभ्यता कहते हैं, इसको विकसित हड़प्पा भी कहते हैं। और ये जो समय माना गया ये लगभग इतिहासकारों ने इस समय को माना है जिस समय हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, कालीबंगा थे 2300 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व के बाद, है ना, और 1500 ईसा पूर्व तक धीरे धीरे जो है ये सभ्यता नष्ट हो जाती है। ये जो समय है इसका पतनोत्तर काल कहलाता है, इस समय यह सभ्यता जो है वो नष्ट हो जाती है। ठीक है, तो इस सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में हम विस्तार से नेक्स्ट क्लास में जानेंगे। धन्यवाद।